ये शोर है। फाइनली हमारे घर में भी वही पॉपेट आ चुके हैं और जिसके लिए पागल हुए हुए थे ये बच्चे और मैं। अभी की पॉइंट मुझे बात करने दें। मुझे तो इस गेम की कोई समझ ही नहीं आती कि बच्चों को पता नहीं इसमें क्या ऐसा मज़ा आता है, क्या समझ आ रही है। लेकिन ये कि मार्केट में कोई ऐसी चीज़ आए तो सब बच्चे जो होते हैं ना, सब घरों में बेशक वो बड़े हों छोटे हों, सारे बच्चे दीवाने हो जाते हैं। सब बच्चों का यही हाल है आजकल, हर बच्चा पागल हुआ हुआ है इस पॉपेट के लिए। और यहाँ पर ये लोग भी बहुत टाइम से ज़िद कर रहे थे, तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको दो दिलाए हैं और ये लोग शेयरिंग करेंगे। नेक्स्ट फिर इनको दूसरे मिलेंगे, ज़्यादा हैप्पी हो गई हैं। और ये सबसे ज़्यादा शोर जो है ना तब जो है ज़ैनब ने किया था कि मुझे पॉपिट चाहिए। ज़ैनब हैप्पी हो गई क्या? अभी मुझे पापा कर दे, पारी कर दे। ओके जनाब, अभी यहाँ पर जो है इन लोगों को तो मिल गए पॉपिट, ये अपने पॉपिट से इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आप लोग चल के देखिए आगे का ब्लॉग। ये क्लिप है एक रात पहले का, और एक रात पहले जो है मैं पराठे जो है वैसा तह उसकी बना के वो फ्रिज में रख रही थी, क्योंकि अगले दिन जब उठो और बच्चे फरमाइश करते हैं पराठे खाने हैं तो एक तो हम उठते लेट हैं, उसके बाद फिर बच्चों को पहले तैयार करो, उसके बाद फिर पराठे बनाओ, और जब तक फिर बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है। तो बेहतरीन तरीका अभी मैंने यही निकाला है कि मैं रात को ही इनको बेल के और अंदर इसके घी वगैरह सब लगा के वो रख देती हूँ फ्रिज में इनको कवर करके। और सुबह ये होता है कि सारे काम ख़त्म करने के बाद बस फिर जल्दी से तवा गरम किया और पराठे बेल के उस पर डाल दिए, फिर ज़्यादा मतलब के तह उनकी बनानी पड़ती नहीं है मुझे। यहाँ पर घी जो है सर्दियाँ हैं जम जाता है, तो पहले उनको माइक्रोवेव में उसको पिघलाती हूँ और फिर उसको यूज़ करती हूँ। आप लोग भी इसी तरह करते होंगे। इस यहाँ पर मैं जो हूँ अंदर तह सारी लगा रही थी, और इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं चकोर शेप के जो है ना पराठे बनाऊँ, तो वो मैं बना रही थी। और अपने लिए एक जो है राउंड ही मैंने किया था, इस तरह इसको मैंने कवर कर दिया था। और अभी जो है मैं इसको फ्रिज में रखने लगी थी, और पहले कभी भी मैंने इस तरह नहीं किया कि जिस वक्त पराठे बनाने होते हैं उसी वक्त मैं उनकी तह लगाती हूँ आटे को और फिर ही मैं पराठे बनाती हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा तजर्बा कर रही हूँ, लेकिन ये कि इससे ये कि काम काफ़ी ईजी हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। ये है अगले दिन का क्लिप, और अगले दिन नाश्ता करने के बाद बल्कि उठते ही फौरन ही जो है मैंने मशीन लगा ली थी कपड़े धोने थे, क्योंकि पूरा 1 वीक से ही बारिशें चल रही थी, कभी बादल थे तो कभी बारिशें थी, और 2 दिन से तो नॉन स्टॉप बारिश थी और बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी। तो इस दिन जो है बहुत अच्छी तेज़ धूप निकली थी, तो और जो धूप निकले तो सबसे पहले सब लोगों के घरों में ज़्यादातर यही होता है कि मशीन लगाई जाती है, कपड़े वॉश किए जाते हैं, ख़ास तौर पे जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों के साथ जो होता है कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो सबसे पहले कोशिश ख़वातीन की यही होती है कि आप कपड़े हम धो लें। तो यहाँ पर मैंने भी कपड़े धोए थे, कपड़े छत पर डाले, तो साथ ही डालने के बाद मैं बच्चों को लेकर ज़रा धूप में खड़ी हो गई, क्योंकि बच्चों को नहलाया धुलाया था, और मैंने कहा चलो धूप उनको सिखाती हूँ। मैं आपको देख रही हूँ, ध्यान से चलाएं। बिस्मिल्ला पढ़ी थी, बिस्मिल्ला पढ़ लें। यहाँ पर 3 बच्चे तो मेरे साथ ऊपर छत पर ही थे, और आयान जो है वो नीचे साइकिलिंग कर रहा था, और मैं उसको छत से ही ऊपर से देख रही थी। और बस ये कि काफ़ी देर हो गई थी हमें यहाँ छत पे खड़े होके, और साथ ही साथ बच्चों को नहलाया था तो धूप में खड़ी हुई थी। मैं इनके नेल्स भी चेक कर रही थी, क्योंकि जब स्कूल जाना हो, स्कूल जाने से एक दिन पहले इनके बाल भी चेक करने होते हैं कि बाल साफ़ सुथरे हैं और नेल्स भी साफ़ सुथरे हैं, पूरा इनको प्रॉपर चेक करना पड़ा। जनाब बेबी बन गई है, पापा करें, मामा को एक पापा दे दें, एक पाली दे दें, पाली दे दें प्लीज़। फिर मैं चीज़ नहीं दिलाऊंगी, चीज़ खानी है पहले पापा करें, बस सही। अब चीज़ तो नहीं मिलेगी, अब चीज़ नहीं मिलेगी। थैंक यू। बेबी क्यों बन गई हैं आप? बेबी क्यों बन गई है? बेबी क्यों बनी है? नो चलो जाओ, आयजा के साथ रेस लगाओ, चलो आप ही के साथ रेस लगाओ जाके, आयजा के साथ रेस लगाएं जाए जाए ना मुझे चीजी चीजी खानी है। नीचे जाएंगे ना, नीचे जाके फिर आपको चीजी मिलेगी, पहले आप खाना खाएंगी फिर उसके बाद चीज मिलेगी।
और ये क्लिप है कुछ दिन पहले का। और कुछ दिन पहले शाम को मुझे बहुत सख्त भूख लग रही थी और मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था बचा हुआ ये मटर आलू, तो मैं इसका सैंडविच बना रही थी। कुछ भी बच जाए, कोई भी गोभी बच जाए या कोई भी वो ऐसा मतलब कि भुजिया टाइप कोई भी चीज़ बच जाए तो मैं उसका सैंडविच बना लेती हूँ, और इस तरह वेस्ट भी नहीं होती चीज़ और खा ली जाती है और मज़े की भी लगती है। मुझे तो इस तरह का कुछ भी ऐसा बचा कुचा कोई भी चीज़ हो और मैं उसका सैंडविच बनाऊँ, मायोनीज वगैरह अंदर लगा देती हूँ, ऊपर से मैंने क्रीम चीज़ लगा लिया तो वो और मज़े का लग रहा था। और मुझे तो इस तरह का सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी इस तरह का कोई भी सालन या कोई भी चीज़ इस तरह बच जाए उसका सैंडविच बना के यूज़ कर लेते हैं उसको या नहीं करते, ज़रूर बताएंगा। मैं तो इस तरह ज़रूर करती हूँ। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बच्चों को अगर ऐसी चीज़ बताओ कि ये अंदर लगाया है तो बच्चे कभी भी नहीं खाते, तो इसीलिए मैंने अंदर मायोनीज और क्रीम चीज़ वगैरह लगा ली ताकि यमी यमी सा बन जाए और बच्चे मज़े से खा लें। दूसरा ये कि पीस तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। अक्सर ये होता है गोभी आलू में बनाऊँ ना, मुझे उसका सैंडविच भी बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें भी मैं मायोनीज और क्रीम चीज़ वगैरह डाल दूँ ना तो फिर तो मज़े से बच्चे खा लेते हैं और टेस्ट भी चेंज हो जाता है गोभी वगैरह का ज़रा, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता और बच्चे मज़े से खा लेते हैं। हाँ, अगर मैं उनको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ कि ये इस तरह बनाया है, फिर उनके 10-12 जो है ना नखरे निकल आते हैं कि नहीं हम ये नहीं खाते। चलिए जनाब, यहाँ पर आ चुके होंगे आप लोग आज का मेरा व्लॉग देखकर, और अभी हो गया था मगरिब का टाइम, मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, मिलूँगी फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।